सुप्रीम कोर्ट ने इस राफेल के सौदे को सही बताते हुए इससे जो भी जुड़ी हुई याचिकाएं थीं उनको सबको खारिज करने का काम किया है और इसका हम सब स्वागत करते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जो ये विमान का सौदा था उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है और इस सौदे पर कोई किस्म का शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि ये हमारे देश की ज़रूरत थी, इसकी क्वालिटी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जो राफेल के सौदा था उसमें पूरी तरह से मूल्यों को और ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया था। दखल की उन्होंने कहा कोई गुंजाइश नहीं है, पक्षपात का कोई सबूत नहीं है, खरीद की प्रक्रिया में किसी की प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है और इससे बहुत ही क्लियर हो जाता है कि राहुल गांधी ने इसको सिर्फ चुनाव के मुद्दे के हिसाब से आरोप लगाने का काम किया है और मैं मानती हूँ कि इस तरीके से देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया है। जब देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए किसी भी मामले के साथ इतना बड़ा झूठ कोई बोले तो मैं समझती हूँ कि पूरे देश और सेना से राहुल गांधी जी को तो माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि ये छोटा इशू नहीं था, ये बहुत ही बड़ा इशू था और रियली देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था।